धन्यवाद है। मीडिया के साथियों से भी अपील करूंगा, जब इन्होंने इतनी अच्छी पहल की है भाई और ने लोकेशन पे ये जगह देखे, तो आप इस लोकेशन को भी जरूर दिखा के जाना और भी मोन्टाज शूट वगैरह जो पीछे तक आप इसको कवर करके जाना और बताना लोगों को कि आसी में शूटिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। और कलाकार साथियों से भी अपील है, जब इन्होंने अपने लिए ये इको खत्म कर दो, जब इन्होंने अपने लिए इतनी अच्छी पहल करी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई बेशक एक एक गाना तो जरूर कोई ना कोई शूट करके जाऊंगे, मैं भी करूंगा, तुम भी करियो, सारे भाई कभी ना कभी शूटिंग का जब प्लान हो तो यहां जरूर करके जाऊंगा। आज मूर्ति का अनावरण आप राजू जी की बिटिया के हाथों से कराएंगे और हमारे जो कंपनी मालिक आए हुए इनके हाथों से कराएंगे, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में इतना साथ दिया, मतलब जो लगता नहीं था कि इतना बड़ा साथ भी कभी हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार को एक तरफा मिलेगा। और इसमें मैं अपना किसी का भी कोई एहसान नहीं मानता कि आपा ने कुछ करया है, जो सब राजू का व्यवहार था। अगर राजू का नेचर अच्छा नहीं होता, व्यवहार अच्छा नहीं होता, भाई एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। अगर व्यवहार उसका नहीं होता, वो व्यवहार कमा के गया, वो भाईचारा कमा के गया, किसी से कभी लड़ा नहीं, लड़ा है तो इसी लड़ाई लड़ी है जुकर बालक लड़ा करें, टोफिया पर जुकर बालक लड़ा करें, उसने वह लड़ाई नहीं लड़ी कि किसी के बारे में खुंदक पाड़ ली या पेट पाप पाड़ लिया या इस आदमी ने मैं देख करा जी नहीं, वैसे उसकी इच्छा कभी भी नहीं रही। तो उसके व्यवहार ने हम सबको जोड़ा है और मेरी दिली इच्छा ये है कि जब भी कभी ऐसी कोई समस्या किसी को भी आए, देखो दुनिया तो जाना तो सबने एक एक करके, हम सारे जब शमशानों की तरफ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक एक साथी को छोड़ के आ रहे होते हैं और धीरे धीरे हम सारे एक दूसरे को ऐसे छोड़ के आ जाएंगे, आए हैं जावांगे सारे जावांगे, लेकिन ऐसी पहल सब अपने अपने लिए कोशिश करते हैं, सबकी यूनियन है भाई, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो उनकी यूनियन है, कोई लेबर यूनियन है, तो हमारी भी एक कलाकार यूनियन है। इस यूनियन की पहल बहुत अच्छी दिखी, हालांकि दुख की घड़ी थी कि ऐसा जो हमारे साथ हादसा हुआ ये भगवान ने बहुत गलत किया, पता नहीं क्यों किया, लेकिन जो कलाकार जुड़े उससे एक सहानुभूति परिवार को भी मिली और आपस में कलाकारों को भी मिली। भविष्य में आपके यारी दोस्ती के सर्कल में किसी के भी, कई बार लोग ये कह देते हैं कि भाई कलाकार तो पहले फलाना एक दिक्कत हुई थी, फलाना हुई थी, जब क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो वो सब उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सब हम आपस में कनेक्ट नहीं है। आज बहुत सारे कलाकार साथी से हैं जो आज मिले होंगे कि मेरा साल बाद दो साल बाद मिला, जिस कलाकार के टच में जो भी साथी रोज के मिलने जुलने वाले हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर कभी होता है तो उन कलाकार साथियों की जिम्मेदारी है उसके साथ रहने वालों की, क्योंकि उसकी आवाज उठाई जाए, उसकी आवाज उठेगी तो सारे एक बोल पर खड़े होंगे। और ये तो एहसान भी है भाई मार्फत हो, क्योंकि हमने जब हाथ जोड़ के सबको कहा तो एक ने भी किसी ने यूं मना नहीं करा कि हम ये नहीं करेंगे। इस परिवार को राजू तो हम वापिस नहीं दे सकते, लेकिन जो जो जरूरतें परिवार की होती है वो सब कुछ सब कलाकारों ने करा, सबको दिल से धन्यवाद है। अभी थोड़ी देर में नारायण करेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा मेरे बड़े भाई रमर मेला जी दो शब्द चलो, उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, देखो आप सब लोग बैठे हो, इसके बाद बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें भी कर सकते हैं, करनी चाहिए नहीं, कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी सुनने में मिला कि हमारे द्वारा फोन को नहीं आया, भाइयों कोई ब्याह को नहीं, किसी की सगाई को नहीं, अब फोन करके कोई बुलाया जावे। राजू जी की पोस्ट पे क्लियर ये लिख के डाल दिया था कि सारे साथी जहां जहां तक पोस्ट पहुंच जाएगी आप जरूर पहुंचना, किसी को निजी तौर पे नहीं बुलाया गया, किसी की नाराजगी है तो उस नाराजगी को मत रखना, क्योंकि वो मेरा कोई फैमिली फंक्शन नहीं हो रहा, मेरे का कोई फैमिली फंक्शन नहीं, सुभाष भाई जी का फैमिली फंक्शन नहीं हो, हम सबके लिए है, हमारे कलाकार साथियों के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उसकी पुण्यतिथि पे इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद भी आपस में भी और मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा, जब आप दिखाओ कई बार थंबनेल ऐसे आ जाते हैं कौन कौन नहीं पहुंचा, हमने किसी को नहीं कोसना, ये घड़ी ऐसे नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, जो नहीं पहुंच पाया उसकी हो सकता कोई मजबूरी हो, कोई घर का काम हो, कोई जरूरी काम हो, या एकदम से उसको सूचना ना भी मिली हो, तो सबके गिले से कोई आपस में माफ करके इस चीज को बरकरार रखना कि हम कलाकार साथी आगे भी ऐसे इकट्ठे रहें और जब जब जो जरूरत पड़े हम वो कर पाए। और इतना प्यार प्रेम में अगर हम दिल से बैठेंगे कभी, ये तो हम एक साथी के जाने के बाद इकट्ठे हुए हैं,
अगर सभी साथ रहते इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ और भी बेटर हो सकता है। हम सीएम हाउस पे भी इन मुद्दों को लेके गए थे, राजू भाई की मूर्ति का भी मुद्दा हमने रखा था, भाभी की नौकरी के लिए भी हमने मुद्दा रखा था और सब कलाकार साथियों का भी मुद्दा रखा था, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसमें दिया था। और कुछ आने वाले समय में अगर हम कुछ सरकार से जुड़ के, क्योंकि भाई हम कलाकार नरे रैलियां में डूंगे मारने के कोनी, नरेन की रैलियां में लोग इकट्ठे करने के कोनी, नरेन की रैलियां में भीड़ बनाने के कोनी, जब पुलिस के कोई प्रोग्राम होता है हम कलाकार फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, बहुत बार जिम्मेदारी से जाते हैं कि सामाजिक काम है, चाहे वो कोई मैराथन का प्रोग्राम हो, चाहे राहगीर का प्रोग्राम हो, या पुलिस का कोई इवेंट हो, या सरकारी किसी भी दफ्तर का कोई इवेंट हो, किसी भी अफसर का इवेंट हो, हम करके आते हैं। तो करके आते हैं तो मन तनु भी पूछेंगे भाई मारे खातर क्या कर सको, पूरे इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो। हमने एक मांग रखी थी कि हादसा पता नहीं कब क्या हो जाए, हमें एक पंचकुला में या हरियाणा में कहीं भी एक कला स्मृति के नाम से एक जगह दे दो, एक बिल्डिंग दे दो बना के, जिसमें हम अपने पुराने इतिहास को संजो के रख सके। दादा लक्ष्मी चंद जी, जाट मेहर सिंह जी, उनके टाइम से लेके सबकी वहां पे मूर्तियां स्थापित कर सके और एक संग्रहालय हो। हम कलाकार साथी भी जब कभी इकट्ठा होना चाहें या कुछ ऐसा प्लान करें जो अच्छी दिशा में हो, तो हमारे पास एक हॉल हो जहाँ पे हम इकट्ठा हो सके, अपनी मीटिंग प्लान कर सके, या कोई योजना हम लेके चल रहे हैं, किसी की फिल्म की रिहर्सल है तो वो कॉमन हो सबके लिए। कोई भी कलाकार साथी कहते मेरे 15 बंदे की टीम है, पंचकुला में रुकना है, तो जब हम सरकार के काम आते हैं, इनकी रैलियों में काम आते हैं, तो हमारे इतना तो काम आ जाओ कि एक बिल्डिंग हमारे पास कोई ऐसी हो जहाँ पे हमारे कलाकार साथी जाके रुक सके अच्छे से, और हमारा संग्रहालय वहां पे हो जहाँ पे पीछे दादाजी के टाइम से लेके और नरेंद्र बलहारा जी के और भी जो कलाकार साथी हमारे बीच से गए हैं, राजू जी की उनकी प्रतिमा वहां पे और उनका एक पत्थर वहां पे लगा हो जिन पे उनकी पूरी इतिहास लिखा हो कि क्या क्या वो करके गए हैं हरियाणा के लिए, हरियाणवी बोली के लिए। तो ये सब मांग अपन रखेंगे, जैसे ही आचार संहिता लगी हुई है उसके बाद दोबारा इस प्रपोजल को लेके हम जाएंगे कि कुछ ना कुछ बेटर हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए हो सके, और ये भी हो सके कि किसी कलाकार के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो उसके पीछे एक बैकअप ऐसा हो, एक उम्मीद ऐसी हो कि उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा है, चाहे सरकार कुछ भी दे लेकिन यूं महसूस हो कि मारे बीच मारा कमानिया आदमी नहीं रहा तो मारे पीछे सरकार खड़ी है। तो यही सब बातें हैं, और सब साथियों से एक और अनुरोध है, सारे जने जितने भी आ रहे हो अपनी एक एक रील राजू भाई की मूर्ति के साथ जरूर बनाकर डालियो आज, ताकि दोबारा से हम उन तक जहां भी बैठा राजू भाई उन तक मैसेज पहुंचाएं। जब एकदम तो इतने जने डालेंगे तो किसी न किसी की तो सुनागा जरूर, कहीं भी बैठा तो सारे जने एक वीडियो भी जरूर डालना। और मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा, जब भी आप ये वीडियो डालो राजू के बारे में पुराना, जो जहां से शुरू किया कहां तक उसने काम किया, मैं कहूं भी था वो कलाकार बहुत बड़ी आवाज का कलाकार था, वो उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी देसी बोली में गाऊं, अपने देसी लोगों के लिए गाऊं, नहीं तो वो कलाकार अगर यूं सोचता कि मैं बॉम्बे में जाकर स्ट्रगल करूं तो शायद हर चौथी फिल्म में राजू का गाना होता, उतनी बड़ी आवाज थी वो। तो हम उसको हमेशा मान सम्मान देंगे, उसको कभी भागने नहीं देंगे, हमेशा राजू भाई को जिंदा रखेंगे और हमेशा ऐसे ही उसकी वीडियो उसके गाने लोग ऐसे सुनते रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ सबका, मैं दो शब्द के अमीर भाई आप जरूर दें, जो भी साथी कुछ बोलना चाहता है एक बार आ जाओ, सुभाष भाई सुभाष को जी एक बार आ जाओ, जो भी बोलना चाहता है आके बोल सकता है, बेदनों ना सोचे।